तो इसी के जरिए का तत्व दे रखा है और इसके चार बिंदु दे रखे हैं, पी क्यू आर एस, चार बिंदु क्या है आपके मध्य बिंदु दे रखे हैं और एसी लंब है बीडी पर, मतलब यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है आपके 90 डिग्री कोण बन रहा है और साथ में ये दोनों क्या है बराबर भी है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है आपके एक वर्ग उत्पत्ति। सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है आपके समांतर चतुर्भुज, वो नियम लगाएंगे वही मध्य बिंदु पड़ने वाला। पहले लेंगे हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज से पहले ये त्रिभुज, त्रिभुज के वही नियम है दो बिंदु मध्य बिंदु है, ये रेखा इसकी आधी भी होगी और समांतर भी। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज है ए बी डी से, इसके अंदर देखो आपके एस क्या है एडी का मध्य बिंदु, एस तो दे रखा है आपके एडी का मध्य बिंदु और दूसरा है आपके पी क्या है एबी का मध्य बिंदु। जब दो बिंदु किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदुओं से बनने वाली रेखा उसके सामने वाली भुजा की आधी भी होती है और साथ में क्या होती है समांतर भी होती है। तो ये हो जाएगा आपके पी एस बराबर होगी एक बटा दो बी डी और पी एस समांतर होगी आपके बी डी, कारण बताओ, कारण होगा मध्य बिंदु और ये हो गया है समीकरण नंबर एक। अब लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, इसका नाम क्या है आपके त्रिभुज बी सी डी से, इस त्रिभुज के अंदर भी तो क्या है वही आपके दो पॉइंट है, देखो क्यू क्या है बीसी का मध्य बिंदु, क्यू तो दे रखा है आपके बीसी का मध्य बिंदु और आर है आपके सीडी का मध्य बिंदु, आर दे रखा है सीडी का मध्य बिंदु, ये सवाल में मध्य बिंदु दे रखा है तो मध्य बिंदुओं से बनने वाली रेखा उसके सामने वाली भुजा की क्या होती है आपके आधी, तो हम लिखेंगे क्यू आर बराबर क्या होगा आपके एक बटा दो बी डी और क्यू आर समांतर होगी आपके बी डी के, कारण क्या है मध्य बिंदु परमेय और समीकरण नंबर क्या हो गया आपके दो। समीकरण नंबर एक और समीकरण दो में देखो पी एस का मान भी एक बटा दो बी डी और क्यू आर का मान भी एक बटा दो, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक व दो से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, होगा पी एस बराबर होगा क्यू आर, ये रेखा बी डी के समांतर है और बी डी क्यू आर के समांतर है, ये इसके समांतर है और ये वाली तो दोनों भी क्या होगी आपके समांतर, तो हो जाएगी पी एस समांतर होगी क्यू आर, वही भुजाएं बराबर और वही भुजाएं क्या दे रखी है समांतर, वही बराबर और वही समांतर का मतलब क्या हो, ये कौन सा त्रिभुज होगा आपके समांतर क्या को कहते हैं पी क्यू आर एस, एक क्या है समांतर चतुर्भुज, लेकिन हमें क्या बनाना है वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, या तो पहले भुजाएं बराबर करो तो हो जाएगा आपके सम चतुर्भुज, फिर क्या करना पड़ेगा हमें 90 डिग्री का कोण तो बनेगा आपके वर्ग, या पहले बनाओ 90 डिग्री तो हो जाएगा आपके आयत और फिर करेंगे उसकी आसन भुजाएं बराबर तो क्या बन जाएगा आपके वर्ग बन जाएगा, तो पहले 90 डिग्री बना लो, उसमें देखो ध्यान दो ये भुजा, अब जब ये नाम ओ नाम दे दिया यहाँ दे दिया आपने विपरीत है ये, यह हो गया आपके एम और ये हो गया आपके एन, ये चतुर्भुज लेंगे ये वाला क्या नाम है पी एम एन ओ सी, इसकी आमने सामने भुजाएं क्या है समांतर, क्यों बताओ ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर पी एम, क्या लिखोगे पी एम समांतर क्या है ओ एम, बताओ ये दोनों समांतर क्यों है, क्योंकि हमने तो ये देखा है पी एस समांतर क्या है बी डी, ये पूरी रेखा इसके समांतर है, समांतर में तो मैंने बताया था नाम कोई भी ले सकते हो, देखो ये भुजा समांतर दे रखी है, ये पूरी समांतर है इतनी सी भी क्या होगी आपके समांतर, समांतर मतलब ये होता है आपस में मिलने वाली भुजाएं नहीं, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो ये दोनों भुजा आपस में नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी कारण क्या हो जाएगा ये देखो पी ए समांतर क्या है बी डी, दूसरा
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है आपके समांतर। अब ये वाला समांतर क्यों है? वही इधर वाले आपके मिड पॉइंट है, पी मध्य बिंदु है एबी का, क्यू मध्य बिंदु है आपके बीसी का। ये भुजा किसकी आधी होगी? आपके एसी की। क्या कहलाएगी? आपके आधी कहलाएगी। या आप लिख सकते हो ऐसे, ये त्रिभुज लो, क्या नाम त्रिभुज का? ए बी सी। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी से। इसके अंदर पी क्या है? एबी का मध्य बिंदु। पी तो दे रखा है आपके एबी का मध्य बिंदु। दूसरा ये क्यू क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। क्यू होगा आपके बीसी का मध्य बिंदु। ये सवाल के अंदर दे रखा है। अगर दो बिंदु मध्य बिंदु है तो आपके ये वाली भुजा इस ऐसी भुजा की क्या होगी? आपके आधी होगी। क्या नाम? पी क्यू। पी क्यू बराबर होगा एक बटा दो एसी, और पी क्यू समांतर होगी आपके एसी के। कारण क्या है? आपके मध्य बिंदु पर है। इसे मान लो समीकरण नंबर दो तो हो गए, क्या मानेंगे यहाँ पर हम? तीन। देखो अब ये और ये समांतर है, तो इतनी सी भुजा भी क्या होगी? आपके समांतर। क्या नाम है? एम ओ। समांतर क्या है? पी एन, या पी एन समांतर है आपके एम ओ। कारण क्या है? पी क्यू समांतर क्या है? आपके ए सी। पूरी भुजाएं समांतर है तो उनके कुछ भाग भी क्या होंगे? आपके समांतर। आमने सामने की भुजाएं समांतर, इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है? ये वाला समांतर चतुर्भुज। क्या लिखोगे? अतः पी एम एन ओ एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने कौन क्या होंगे? आपके बराबर। मतलब ये वाला और ये वाला कौन? जैसे ये तो कौन नंबर एक, ये तो आपके कौन नंबर एक, और ये हो गया कौन पी। तो कौन नंबर एक बराबर होगा कौन नंबर पी, मतलब क्या हो जाएंगे? आपके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो कौन ए का मान 90 है। क्यों 90? सवाल के अंदर आपके दे रखा है। क्या लिखोगे? कौन ए का मान कितना है आपके? 90 डिग्री। कारण लिखोगे ये वाला, एसी लंब है बीडी पर। ये भुजा इस पर 90 डिग्री कौन बना रही है? एसी लंब है बीडी पर। अब कौन ए का मान 90, तो कौन पी का मान भी 90। हो गया कौन पी का मान 90। और जिस समांतर चतुर्भुज, अभी हमने बताया था पी क्यू आर एस कौन सा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, उसका एक कोण कितना हो गया है? 90। तो दूसरे स्थान पर आ गए, मतलब कि समांतर चतुर्भुज क्या आ गया? हम आयत में आ गए। तो ये क्या बन गया? आपके आयत। हम लिखेंगे पी क्यू आर एस एक क्या है? आयत। क्यों है आयत? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ये, और उसका एक कोण कितना बन गया आपके? 90 डिग्री। पी क्यू आर एस में से कोई भी एक कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। अब हमें करनी है भुजाएं बराबर। कौन सी भुजा बराबर करनी है? आसन भुजाएं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या करनी है? बराबर। आसन भुजा लगेगा दो भुजाएं। देखो पी एस का मान कहा है? पी एस का मान ये रहा, इधर ध्यान दो। पी एस का मान क्या दे रखा है? एक बटा दो बी डी। देखो पी एस का मान दे रखा है एक बटा दो बी डी। क्यों दे रखा है? समीकरण नंबर एक से। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर एक से। दूसरा देखो पी क्यू का मान क्या दे रखा है आपके? एक बटा दो ए सी। ये क्यों हुआ? समीकरण नंबर तीन से। अब ये सवाल के अंदर एक और दे रखा है, ये वाला पॉइंट अब काम आएगा। ए सी और बी डी क्या है आपके? बराबर। और साथ में ए सी भुजा और बी डी भुजा क्या है आपके? बराबर। क्यों है? सवाल के अंदर क्या है आपके? दिया हुआ। ये दोनों बराबर है, ये आधा ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके? बराबर। पी एस बराबर क्या होगा? पी क्यू। जिस चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्या हो? बराबर। या जिस आयत की, तो आयत तो बनी का है। देखो क्या कह लोगे? जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना हो आपके? एक कोण 90 हो, वो क्या कहलाता है? आयत। और जिस आयत की आसन भुजाएं क्या हो जाए? बराबर। देखो पी एस पी क्यू, ये पी क्यू यहाँ पर है, पी एस यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे? जिस चतुर्भुज की या जिस आयत की, क्या लिखोगे? जिस आयत की कौन सी भुजाएं? आसन भुजाएं क्या हो? बराबर। आसन भुजाएं बराबर हो, वह क्या कहलाता है? आपके वर्ग कहलाता है। अतः पी क्यू आर एस क्या है? आपके आयत। लिखोगे अतः पी क्यू आर एस क्या है? वर्ग।